अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के अंदर जो बताना चाहूँगा, जो मरहम की पेज के ऊपर जो क्वेश्चंस किए गए हैं, उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उसमें पूछा गया है, जिसमें बताया गया है कि बच्चे पेशाब रात को क्यों, वो बिस्तर में पेशाब, बड़ी छोटे से बच्चों की उम्र भी बढ़ जाती है फिर भी वो बिस्तर के अंदर पेशाब लीक कर जाते हैं, इसके बारे में मैं इसमें बताना चाहूँगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है जिसके साथ बच्चे अक्सर पेरेंट्स बच्चों को लेके आ जाते हैं, 5 साल 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 9 साल 10 साल की उम्र में भी इवन, कि बच्चे जी रात को सोते हुए पेशाब लीक कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि अगर बच्चा कोई इस कंप्लेंट के साथ आया है और वालदैन इसको लेके आए हैं, तो उसके साथ कोई ऑर्गेनिक कोई इशू तो नहीं है यूरोलॉजी के रिलेटेड, जिसके अंदर कोई पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, बच्चों के अंदर कुछ कॉमन बीमारियाँ हैं, कोई न्यूरोजेनिक ब्लडर है, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है जिसके अंदर, उसके लिए हमें बताना बड़ा ज़रूरी है। इनिशियली डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए कि बच्चे पेशाब की वैसे स्ट्रीम वगैरह कैसी है, बच्चे की पेशाब की जो जब ब्लडर ट्रेनिंग हुई है वो कब हुई थी, किस एज में हुई थी, कि यूरिन करने की ट्रेनिंग के कब बच्चों को पैम्पर से यूरिन नॉर्मल यूरिन के अंदर शिफ्ट कर दिया था, नॉर्मल यूरिन बॉर्डिंग के साथ शिफ्ट कर दिया था। तो इसमें कंप्लीट हमें इनिशियली पेरेंट्स से हिस्ट्री ज़रूर लेनी पड़ती है, ताकि दरमियान में कोई वक्फा आ गया था या बच्चे बिल्कुल ठीक रहे हैं दोबारा ये मसला होना शुरू हुआ है। तो ये एक बड़ी कॉमन वजूहत है, इसमें हमें पेशाब की इन्फेक्शन को रूल आउट करना है, कोई मसाने के अंदर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है वो रूल आउट करना है, या कोई न्यूरोजेनिक ब्लडर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो पेशाब की नाली के अंदर जो हुदूद वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बच्चों में जो कि इसके साथ प्रेजेंट की है। तो इसमें ये सारी चीज़ें पेशेंट की हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन करके पता लग सकती हैं, जिसमें पेशाब का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के बाद रेजिडुअल यूरिन है, और इसकी क्या 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 वजूहत हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इस टेस्टों की रोशनी में हम तशखीस करके पेशेंट को, पेरेंट्स को हम उसको आगाह करते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई, तो ये फिर उसके मुताबिक उसका इलाज तजवीज़ किया जाता है। इसका इलाज को मेडिकल भी है और फिर सर्जिकल, अगर सर्जिकल कोई बीमारी है तो उसका इलाज सर्जिकल तौर पर देखा जाता है, अगर कोई मेडिकल इशूज़ हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन आई है तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है, या फिर कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि अटेंशन डेफिसिट बिहेवियर होता है, फिर पेशेंट को बच्चों कुछ बाकी बच्चे के साथ एक बच्चे को ज़्यादा कोई टेंशन मिल रही हो तो फिर उसमें ये कंप्लेंट ज़्यादा देखी गई हैं। तो इसमें पेशेंट को सबसे पहले ब्लडर ट्रेनिंग के लिए पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है। ब्लडर ट्रेनिंग होता है कि पेशेंट को टाइम वाइडिंग कराया जाए, कुछ बच्चे रात को देर से पेरेंट्स देर से सो रहे होते हैं तो बच्चे भी रात को देर से सोते हैं, तो फिर वो बच्चों के अंदर ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है कि रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। इसमें पेरेंट्स को बताया जाता है कि आप बच्चों को साथ जल्दी सुला दें और उसके बाद टाइम वाइडिंग करवाएं, रात को 1 बजे 1:30 बजे का अलार्म लगा के सोएं, ताकि उस टाइम बच्चों को ज़बरदस्ती उठा के ब्लडर ट्रेनिंग उसकी करेंगे, फिर उससे काफ़ी हद तक इस मसले के ऊपर काबू पाया जा सकता है। और पेशेंट को रात को पेरेंट्स को आगाह किया जाता है कि आपने बच्चों के साथ खुद भी उठना है और ख़ुद उनको यूरिन करवाने लेके जाना है। तो मोस्टली जो बच्चे जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक इशू नहीं निकलता, जिसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियाँ नहीं निकलती जो सीरियस किस्म की हैं, तो नॉर्मली टाइम वाइडिंग रात को हम करवा के अक्सर औकात हम इस बीमारी से, इस कंप्लेंट से जो पेरेंट्स को इससे निजात दिलवा सकते हैं, और बच्चा टाइम पे वार्डिंग, बच्चा रात को बिस्तर पे पेशाब करना छोड़ देता है। तो इस ये एक चीता चीता मैंने इस बच्चों के अंदर जो ये कॉमन मसला है इसके बारे में आपको बता दिया है। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरे से लेना चाहें तो आप मरहम के यूट्यूब चैनल के थ्रू या कोई उसके ऐप के थ्रू मुझ तक रابطہ करके मुझसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। शुक्रिया।